हाय फ्रेंड्स, जो मैंने वो थ्री प्लस पे प्रिपेरेशन करुते तो सेना आज रही इंग्लीश रो गोटे क्लास जो थी कि आम प्रीवियस क्लास रे आर्टिकल रो यूज देखते तो आर्टिकल ए आउ आन मुझे ऑलरेडी आपंकर यूज तो आज आम पढ़ा आर्टिकल द रे यूज तो ये वीडियो पर आपंकर आर्टिकल पूरा फिनिश हो जाए तो चलो स्टार्ट करवा डेरी नक यूज अफ दि। तो प्रथम कंडीशन कौन जो जगार आपने रिभर देखिए सेन्टेन्स जो जगार आप रिभर देखिए तो से जगार आप कौन करेंगे आर्टिकल द यूज करेंगे तो कमिटी तो जो भाई एग्जांपल आपंकर द यमुना द गंगा तो यहाँ रहा आपंकर एग्जांपल मनकर गोटे सेंटेन्स अच्छी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स कह यमुना दे दी थी तो ये आप कौन फिलअप करेंगे ए फिलअप करेंगे ना आन फिलअप करेंगे ना आर्टिकल द फिलअप करेंगे निश्चित भाव आर्टिकल द फिलअप करेंगे ये द फिलअप करेंगे कहीं यमुनाटा गोटे कौन रिभर तो गंगाटा गोटे कौन रिभर। तो नेक्स्ट आपंकर दुई नंबर पॉइंट को लक्ष्य करूँ जोटा ओसन ओसन क्षेत्र में कौन हम आर्टिकल आपंकर द यूज हम जेपरिक आपंकर एग्जांपल द इंडियन ओशन द पैसिफिक ओशन। तो कंडीशन नंबर थ्री प्रॉपर नाउन क्षेत्र में कौन करेंगे आर्टिकल द मध्य यूज करेंगे जमीक प्रॉपर नाउन माने कौन क्वालिफायर कंडीशन हो तो क्वालिफायर कंडीशन कौन द महात्मा गांधी तो देखो तो महात्मा गांधी पूर्व आर्टिकल द लगी कि नहीं द ग्रेट ब्रिटेन तो ग्रेट ब्रिटेन पूर्व आपंकर कौन लगी आर्टिकल द लगी अकबर द ग्रेट तो अकबर पर दो अकबर दि ग्रेट अच्छी अकबर द ग्रेट जो अच्छी तो ये आर्टिकल द लगी कि नहीं तो यहीपर भाव में आपंकर कौन क्वालिफायर कंडीशन जोटा कि प्रॉपर नाउन क्षेत्र में आप आर्टिकल द लगे पारे। तो नेक्स्ट आपंकर रही नेक्स्ट एग्जांपल लक्ष्य करूँ ए मुकेश वेंट्स टू मीट यू तो मुकेश जो ये रही मुकेश आपंकर जेहेतु गोटे प्रॉपर नाउन नुहे तो से आपंकर ए मुकेश हो जाए तो तापर अच्छे राकेश इज द ये द कहीं लगला सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर जेहेतु अच्छी तो ये कौन हम आर्टिकल द लगिज सचिन तेंदुलकर पूर्व जेहेतु प्रॉपर नाम सचिन तेंदुलकर बुझेगा सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस क्लास तो आर्टिकल कौन लगिज द लगिज क्लियर। तो नेक्स्ट देखा कंट्री नेम जो थी आर्टिकल कौन लगे द लगे जमीक यूज द विथ डूज नेम इन हुई जो कंट्री सब कंट्री हेनी जो कंट्री आपंकर कौन कौन थी जो कंट्री सहित आप यूनियन लगे बुझेगा कि नहीं जो कंट्री सहित आप यूनाइटेड लगे यूनाइटेड लगे एवं जो कंट्री सहित आप रिपब्लिक लगे रिपब्लिक लगे जो कंट्री सहित आप किंगडम वार्ड यू वार्ड तो किंगडम वार्ड यूज हो तो एतिक वार्ड जदि आपणकर कंट्री सहित जोड़ जाए निश्चित भाव आप कौन लगे आर्टिकल द लगे बुझेगा जमीक देखु द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड लगी कि नहीं तो से आर्टिकल द लगे द इरिश रिपब्लिक रिपब्लिक वार्ड यूज हो द लगे नोट कि नोटा गोटे भलसे सब सेन्टेन्स लक्ष्य करेंगे बट नो आर्टिकल विथ द अदर कंट्री नेम आउ अलग कंट्रीर ना सागर आप आर्टिकल द यूज करें जमीक आप इंडिया पूर्व द लगे पारे पाकिस्तान पूर्व द लगे पारे तो जमीक मुझे द इंडिया बोली कही पारि ना द इंडिया कहले से आर्टिकल भूल व्यवहार हम आप क्वेश्चन आंसर भूल हो द पाकिस्तान कही हेनी अदर कंट्री केवल से सहित लगे तो जो मानक जो कंट्री सहित ये वार्ड ही यूज होमती कि यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक किंगडम क्लीयर। तो नेक्स्ट पॉइंट लक्ष्य करवा जमीक आपंकर नेक्स्ट अच्छी पांच नंबर पॉइंट माउंटेन रेंज माउंटेन रेंज जो जगह थी आपकी आर्टिकल द लगे पारे जमीक आप लगे पारे द हिमालय द आल्प्स द माउंट एवरेस्ट एगुड़ा सब गुटा कौन माउंटेन रेंज तो ये माउंटेन रेंज क्षेत्र में आप द लगे पारे डिजिज क्षेत्र में आप आर्टिकल द लगे पारे जमीक द मम्स द मिजेल्स द प्लेग एगुड़ा सब डिजिज तो ये सब डिजिज क्षेत्र में आप लगे पारे आर्टिकल पूर्व आर्टिकल द लगे पारे तो यूनिक थिंग्स पूर्व आप आर्टिकल द लगे पारे यूनिक थिंग्स मैंने द सन द यूनिभर्स द मून एगुड़ा सब आप थिंग्स यूनिक थिंग्स तो यूनिक थिंग्स पूर्व आर्टिकल द मध्य आप लगे पारे तो कि नोट टी लक्ष्य करेंगे बट नॉट बिफोर पार्लियामेंट पूर्व आर्टिकल द लगे तो गॉड पूर्व आर्टिकल द लगे हेल्प पूर्व आर्टिकल द लगे हेवन पूर्व आर्टिकल द लगे ना। तो नेक्स्ट आठ नंबर पॉइंट जी तो आठ नंबर पॉइंट कौन अच्छी आठ नंबर पॉइंट यह कौन डिरेक्शन डिरेक्शन जो आप आर्टिकल द लगे पारे तो जमीक आपंकर ईस्ट गोटे डिरेक्शन द ईस्ट हो पार वेस्ट गोटे डिरेक्शन द वेस्ट हो पार से भाई आप लगे पारे द नॉर्थ लगे पारे ये सब डिरेक्शन क्षेत्र में आप लगे पारे कि नोट ध्यान देवे बट नॉट बिफोर वेस्टर्न डीज ये लगे पारे ना ये तो आप गोटे वेस्ट गोटे डिरेक्शन
ବୋଲି ଲାଗୁ ଦେବି ଦ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ହେଇପାରିବନି। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଦ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଲେ ଭୁଲ, ଦ ନର୍ଦର୍ନ ୟୁରୋପ ହେଲେ ଭୁଲ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଡିରେକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିବନି, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ ଲାଗିବନି, ନର୍ଦର୍ନ ୟୁରୋପ ପାଖରେ ଲାଗିବନି। ତ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରିଲିଜିୟସ ବୁକ, ରିଲିଜିୟସ ବୁକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ଲଗେଇପାରିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦ ଗୀତା ହୋଇପାରିବ, ଦ ରାମାୟଣ, ଦ ବାଇବେଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ, ବାଇବେଲ, ରାମାୟଣ, ଗୀତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ ବୁକ୍। ତ ରିଲିଜିୟସ ବୁକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇପାରିବେ, ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ଲଗେଇପାରିବେ। ତ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 10କୁ ଯିବା, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 10 କହିଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଉନ୍ସ ୟୁଜ୍ ଆଫ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ, ମେକ୍, ଇଲେକ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କ୍ରାଉନ୍, ଡିକ୍ଲାର, ମାନେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏହି ୱାର୍ଡ଼ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ ଆଫ୍ଟର, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ଆର୍ଟିକେଲ ଆପଣ ଦ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି କାହା ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ସେତେବେଳେ ଲାଗିପାରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଏଣ୍ଟ, ମିସ୍, ମେକ୍, ଇଲେକ୍ଟ, ସିଲେକ୍ଟ, କ୍ରାଉନ୍, ଡିକ୍ଲାର, ପରେ ଯଦି ଆପଣ ନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ 11 ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତ 11 ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି, କମନ୍ ନାଉନ୍, କମନ୍ ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦ ଡଗ୍, ଯେଉଁଟାକି ଡଗ୍ଟା ଏଠି କି ନାଉନ୍, କମନ୍ ନାଉନ୍, ତ ଡଗ୍ ଏଠି କି ନାଉନ୍, ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ନାଉନ୍, କମନ୍ ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫେଥଫୁଲ ଏନିମାଲ, ଦ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫେଥଫୁଲ ଏନିମାଲ, ଯେଉଁଟା ଦ ପିପୁଲ, ତ ପିପୁଲ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କି ନାଉନ୍, କମନ୍ ନାଉନ୍, ଅଫ୍ ଦି ସିଟି ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଜେନେରିୟସ, ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଜେନେରିୟସ। ତ 11 ନମ୍ବର ଗଲା, ତାପରେ 12 ନମ୍ବରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହନେଷ୍ଟି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପଲିସି, ବା ଲେଖିପାରିବା ଦ ହନେଷ୍ଟି ସୋନ୍ ବାଇ ବିରାଟ କୋହଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରେଜ୍ଡ ବାଇ ଅଲ୍, ଏଟା ହନେଷ୍ଟିଟା ଗୋଟେ କି ନାଉନ୍, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାଉନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 13 ନମ୍ବର, 13 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଜେଲ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ବେଡ୍, ଏଟସେଟ୍ରା, ଏହିସବୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ତ ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ ଭଲସେ ଜାଣିଦେବା। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେମ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଠି କୌଣସି ଆର୍ଟିକେଲ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ଆର୍ଟିକେଲ, ଏ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆର୍ଟିକେଲ ଲଗେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିବ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡେ ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଥିବି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବି, ନହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବି, ତ ଏଠି କୌଣସି ଆର୍ଟିକେଲ ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ମୋର ରେଗୁଲାର ଯାଉଛି, ମୋର ଏଟା ମୋର ସେମ୍ ପର୍ପଜ୍ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡେ ସ୍କୁଲ ଟୁ ମିଟ୍ ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ବୁଝିହେଲା, ମୋ ବାପା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କେଉଁ ପର୍ପୋଜ, ସେମ୍ ପର୍ପୋଜ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ପୋଜ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ପୋଜ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ପୋଜ ମାନେ ଏଠି ଆର୍ଟିକେଲ ନିଶ୍ଚିତ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ଏଠି ଦ ଆର୍ଟିକେଲ ୟୁଜ୍ ହେବ, କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଦ ଆର୍ଟିକେଲ ୟୁଜ୍ ହେବ, ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ ଟୁ ମିଟ୍ ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ସେମ୍ ପର୍ପୋଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଜେଲ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ବିଏଡ୍, ଏଟସେଟ୍ରା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଗଲା, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଜେଲ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏଗୁଡ଼ା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସେମ୍ ପର୍ପୋଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ପୋଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ବୁଝିହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗିବ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ ଆର୍ଟିକେଲଟି ୟୁଜ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଦ ବିଜେପି, ଦ କଂଗ୍ରେସ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ 15 ଦେଖ, ବିଫୋର୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଯଦି କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲଗେଇବେ, ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ଲଗେଇବେ। ଦ ଭାଓଲିନ, ଦ ଗିଟାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଓଲିନ ଆଉ ଗିଟାର ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦ ୟୁଜ୍ କରିବା। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ କ'ଣ, ଦ ତାଜମହଲ, ଦ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ, ତାଜମହଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେବ, ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ କ'ଣ ହେବ, ୟୁଜ୍, ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ୟୁଜ୍ ହେବ, ବୁଝିହେଲା।
तो देख तापर अच्छी सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ एगुड़ा सब क्षेत्र में कौन यूज हम आर्टिकल देख तापर कौन अच्छी देख तापर अच्छी सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ एठी सब कौन यूज हम द आर्टिकल मध्ये यूज हम को आर्टिकल यूज हम द आर्टिकल यूज हम बुझला देख तापर अच्छी जोटा कि स्पेस रही स्पेस रही आप कौन स्पेस हि ट्राए टू पार्क देख तापर जोटा कि आपंकर रही द सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ एटी कौ आर्टिकल यूज हम द आर्टिकल यूज हम तापर अच्छी स्पेस हि ट्राए टू पार्क हिज कार स्पेस मान कौन किसी स्थान द स्पेस हम स्पेस मान कि स्थान जोटा स्थान कथा कही नॉट सफिशिएंट एटी आर्टिकल द यूज हम बुझेगा तो तापर नेक्स्ट आम देखा उन्नीस तो यार भितर निश्चित आपंकर गोटे क्वेश्चन आसव यार भितर आपंकर निश्चित गोटे एथर क्वेश्चन आसो एग्जाम देखिए ग्यारंटी एटा या भितर निश्चित आपंकर गोटे क्वेश्चन आसो है तो कौटा रही आपंकर इंपोर्टां तो ये जो 19, 20, 21 ये डिग्री रु क्वेश्चन आसो जपरिक आपंकर सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री यही सब भितर गोटे क्वेश्चन आसो पॉजिटिव डिग्री पूर्व आप निश्चित द यूज करेंगे द रिच सुड बी हेल्प दि पुअर द रिच है तो यहाँ गोटे की डिग्री पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री मैंने कंपैरिजन करवा द हायर यू गो द कूलर यू फिल द हायर हम द हायर है द कूलर कंपैरेटिव होगा लास्ट रही सुपरलेटिव डिग्री राजू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राजू इज द हम मोस्ट इंटेलिजेंट बुझेगा कि नहीं तो डिग्री रू निश्चित आपंकर क्वेश्चन आसो ये थी आप क्लास जोटा कि आर्टिकल द एस आपंकर आर्टिकल पूरा फिनिश हो जो मैंने ए आओ वन वीडियो देखी ना निश्चित भाव में चैनल भितर को जाकि ए आओ वन यूज्र वीडियो देखिए तो नेक्स्ट क्लास मुझे निश्चित चेस्टा करी आप प्राक्ट क्वेश्चन आनबी जोटा कि आपंकर उ ट्रिपल एस जी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन आता सबको कंपेरिजन करके आर्टिकल मुझ क्वेश्चन नहीं आसवि जदि भिडियो भल लगे निश्चित भाव लाइक करेंगे सेयार करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे तो प्राक्ट क्वेश्चन आने कि ना तो ये थी मो तरफ आप गोटे छोट प्रयास जदि क्लास टी भल लगता है निश्चित भाव सेयार करेंगे लाइक करेंगे कमेंट गोटे गोटे देवे निश्चित भाव में मीठा मीठा कमेंट देवे रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ थैंक यू।